हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेट और अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में एंड <coughs> आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है क्या है आज हम बात करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट थ्री मंथ्स के बारे में यानी कि अप्रैल मई और जून ये तीनों के तीनों महीने आपके किस तरीके के रहने वाले हैं और किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं और क्या आपको देखने को मिल सकता है आज की रीडिंग का टॉपिक यही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आई होप कि ये रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट होगी <coughs> एंड आई विश कि जो भी अच्छी चीज़ें आज की रीडिंग में आए, वो आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी होनी स्टार्ट हो जाए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस पाइल सिलेक्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर दो चिट्स आप लोगों के सामने मैंने रखी हुई है बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी फूल वूल भी बनाए हैं सो पायल नंबर वन में हमारे पास जनवरी मार्च मे जुलाई सेप्टेम्बर एंड दिसंबर एंड पाइल नंबर टू में है फैब अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर एंड नवंबर सो वट यू नीड टू डू गाइज आप लोगों ने जस्ट अपना बर्थ का मंथ देखना है जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है अगस्त में तो आपने पाइल नंबर टू को पिक करना है अगर आप लोगों का जन्म हुआ है मे में तो आपने मे मंथ को यहाँ से पाइल नंबर वन को पिक करना है ठीक है जस्ट आपने देखना है कि आपका महीना कहाँ पर है <coughs> और उस पाइल को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है दैट्स इट ये करना है ठीक है जी पाइल सिलेक्शन एंड सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है आप लोग वहां से जाकर चेक इन कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड दिस विल बी फॉर श्योर अ ब्यूटिफुल रीडिंग और दिन किस बात की चलो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर वन से तो इसको मैं साइड रख देती हूँ एंड स्टार्टिंग विद द पाइल नंबर वन तो पाइल नंबर वन आप लोगों ने पिक किया है <coughs> इसका मतलब आप लोगों का जो जन्म का महीना है वो हो सकता है जैन मार्च मे जुलाई सेप्टेम्बर दिसंबर ठीक है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कैरेक्टरस्टिक्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आप लोगों के सो बेसिकली यू गाइज आर वेरी करेजियस इन योर एनर्जीज आप लोग बहुत ही स्ट्रेंथफुल बहुत ही करेजियस हैं और आपके मन में ना लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है लाइक आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते ना आप कभी किसी का ऐसे कर सकते कि यार ये ऐसा इंसान है ऐसा इंसान है ऐसा नहीं होता है आपके साथ आप हर किसी के साथ बहुत ही जस्टिफाइड रहते हैं आप बहुत जस्टिस लवर हैं ठीक है फायल नंबर वन पीपल आप लोग बहुत जस्टिस लवर इंसान हैं और आपको ना फालतू तो की तू तो मैं में करना पसंद नहीं है मस्त मौला इंसान नहीं होता है मस्त मौला राम एकदम बिल्कुल वैस तरीके के आप तो आप जस्टिस जस्टिस करना पसंद करते हैं अपने महरम में महरम आ, में मस्त रहना पसंद करते हैं अपने इंजॉय करते अपनी लाइफ को ठीक है अपनी लाइफ से कुछ बड़ा चाहते हैं और बहुत ही पैशनेट और करियर के प्रति बड़े सजग हैं लोगों को दिखता होगा बाहर से बड़ा स्ट्रांग है बहुत रिजिड है ऐसी है वैसी है ऐसा है वैसा है बट काइंड ऑफ बिहेवियर आप लोगों का रियलिटी में वो बंदा जानता है जो आपके साथ एक्चुअली में रहता है ठीक है आपका कोई बहुत ही करीबी वन डियरेस्ट नियरेस्ट वन जो कि आपके बिहेवियर को जानता है कि आप किस तरीके के इंसान है कि आप <coughs> नेगेटिव नहीं है आप रिजिड नहीं है लेकिन आप गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते ठीक है तो आप अंदर से बहुत सॉफ्ट है बहुत नर्चरर है बहुत पॉजिटिव है लेकिन आप गलत कभी भी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है तो पाइल नंबर वन पीपल दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों के करेक्टरिस्टिक्स अब स्टार्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं हाउ विल बी योर नेक्स्ट थ्री मंथ्स अप्रैल मे एंड जून सो अबाउट टू कम मंथ्स है अप्रैल मे एंड जून आने ही वाले हैं तो एनर्जी चेक इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है है हाँ ना तो स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए एनर्जी चेक अगर सबसे पहले मैं एनर्जी की बात करूं यहाँ पे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आए हैं उसी हिसाब की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है अप्रैल मंथ की अगर हम एनर्जी देखें तो डोर टू स्पिरिट का कार्ड है यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी इसको यूटिलाइज़ करना पसंद करेंगे स्पिरिचुअल टास्क में जैसे कि कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग उठना ब्रह्म मुहूर्त में है ना चार बजे उठ करके और मेडिटेशन करना और ये करना वो करना काइंड ऑफ एनर्जी मुझे ज़्यादा आप लोगों की नज़र आती है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को सेव करने और आगे बढ़ने वाली एनर्जी में रहेंगे आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है कि आपकी जो लाइफ है ना अभी हाल फिलहाल पाइल नंबर वन वो शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही है जैसा शेड्यूल होना चाहिए जैसे अर्ली <clears> मॉर्निंग <throat> उठे हैं कुछ मेडिटेशन किया है कुछ Uh, कुछ पिया है थोड़ा सा गर्म पानी या कुछ भी ऐसा कुछ हेल्दी सा और फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद नहा रहे हैं देन काम कर रहे हैं आपकी आपकी शेड्यूल इस तरीके की नहीं हो रही है आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल किस तरीके का हो रहा है मतलब दौड़ दौड़ भाग भाग टाइप कि बस कुछ भी फटाफटाफट फटा काम सेटाने हैं ना आपने अपने करियर पे फोकस करना ना अपने हेल्थ पे फोकस करना ना अपने फिजीक पे ना मेंटल और स्पिरिचुअल तो खैर भूल ही जाओ तो इस तरीके की लाइफ कहीं ना कहीं चल रही है जो मतलब काम मिल रहा है काम कर रहे हैं फ़टाफट और दिन ऐसे ऐसे निकल रहे हैं हो सकता है पाला नंबर वन आप लोग काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल्स मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे आ, टास्क आपने लिख के रखे हुए हैं टाइम टेबल बहुत बारी बनाया लेकिन सिचुएशन बैठ नहीं रही है अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब में मन नहीं लग रहा है लाइक व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ ना उसके अंदर आपका मन सा नहीं लग रहा है तो अप्रैल मंथ की जो एनर्जी मुझे आप लोगों की लगती है लाइक like, एनर्जी चेक जो मुझे लगता है वो है डो टू स्पिरिट यानी कि आप बहुत बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं लोग तो कहते हैं ना कमर कस ली अब तो मैंने अब तो करके दिखाना है मैंने चाहे जो मर्जी हो जाए ठीक है मॉर्निंग में उठना है मीन्स उठना है रात को जल्दी सोना है मीन्स सोना है एक एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से आप लोग चलने वाले हैं आप लोगों की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड होगी अप्रैल मंथ में अप्रैल मंथ में आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार मैंने करना है यार मैंने करके दिखाना है यार बस बहुत हो गया यार ऐसी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक अपने आप को ना स्परिचुअली बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे आप मेडिटेशन योगा प्रैक्टिस और ये सब चीज़ें बहुत ज्यादा करने वाले हैं ठीक है आप में से बहुत सारे लोग मुझे स्पिरिचुअली होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ चीनिंदा लोग हैं जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे लाइक अर्ली मॉर्निंग उठ के मंदिर जाना ये करना वो करना ठीक है ज्यादातर मुझे स्पिरिचुअल होते हुए नजर आते हैं hmm. और इस अप्रैल मंथ की एनर्जी का इम्पैक्ट आपको आपके मे मंथ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा कॉर्नोकोपिया का कार्य है वाव दिस इज सो ब्यूटीफुल अगेन कॉर्नोकोपिया यानी कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप बैलेंस्ड हैं <laughs> आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आई एम कि मे मंथ आप लोगों का पाइल नंबर वन ऐसा होने वाला है जिसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास मैंने ये चीज़ करी तो मेरे पास ये आया समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ uh, कि जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैंने ये ये चीज़ फिगर आउट करी मैंने ये चेंजेस अपनी लाइफ में करे एंड आई गॉट द रिजल्ट्स है ना तो वो रिजल्ट्स मुझे आपके जो है मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मई uh, मंथ में और फिर उसके बाद वाओ वाओ जून के लिए कितने प्यारे काज जाए एजल ऑफ लव आप इतना ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले हैं जून मंथ में कि आपने कभी नहीं किया होगा ऑब्वियस ही है क्यों नहीं करेंगे जब आपने अपने शेड्यूल्स चेंज करें अप्रैल मंथ में आपको मे मंथ में उसके रिजल्ट्स मिले बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले अपॉर्चुनिटीज़ मिली आपको हो सकता है ऑफर्स मिले करियर से रिलेटेड भी लव से रिलेटेड भी एंड जून मंथ में आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो तो ये जो तीन महीने हैं पायल नंबर वन पीपल आप लोगों के लिए ये तीन महीने मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं फॉर सेल्फ ग्रोथ फॉर सेल्फ चेंजेस लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम टाइप ऑफ पीरियड रहेगा आपकी लाइफ में जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी है आप, आप लोगों को बॉटम ऑफ द डेक क्या था बॉटम ऑफ द डेक में आया था डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नेक्स्ट थ्री मंथ जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं क्योंकि आप एफर्ट्स ले रहे हैं आपको पता है जब हम खुद एफर्ट्स लेते हैं ना तो भगवान जी एंजल्स और पॉजिटिव और हमारी मदद करते हैं कि हम उस उस चेंज को ना अपने लाइफ के अंदर ला सकें पॉजिटिवली तो वही चेंज मैं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ना फाइल नंबर वन पीपल चेंजेस लेकर आएंगे एंड डिवाइन विल सपोर्ट्स यू तो ये निकल रही है भाई आपकी प्रेजेंट एनर्जीज प्रेजेंटली हो सकता है आप किसी तरीके के बर्डन में हैं है ना एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आए जिससे कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट एनर्जीज नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थ्री मंथ्स और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कि आप चेंजेस करेंगे स्पिरिचुअल बनेंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेंगे एंड जून मंथ में उस चीज को एंजॉय करेंगे लेट्स सी मोर ट्रैवलिंग ओवर थिंकिंग ये चीज इंसान को ना मार देती कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्स एंड विक्ट्री हरमिट हम्म बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ वॉन्ट्स सो बेसिकली अगर मैं इन तीन महीनों की एनर्जीज तो मैंने आपको बताई दी और इन तीन महीनों में क्या हो सकता है काइज़ यू विल गेट सम काइंड ऑफ गुड ऑफर्स और गुड चेंजेस किसी तरीके की अच्छी खुशखबरी जिससे कि आप ट्रैवल करने वाले हो ठीक है आप इन तीन महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करो या ट्रांसफ़र करो या हो सकता है कि आप जॉब के सिलसिले में इधर से उधर हो ठीक है स्थान परिवर्तन आई एम सींग हेयर लाइक चेंज ठीक है चेंज आई एम सींग आप लोगों की रीडिंग में सबसे कॉमन चीज रही है चेंज एक तरीके का बदलाव तो एक तरीके का बदलाव मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आता है यहाँ पे टू अ वन का कार्ड है ये सब सोच का कार्ड है एंड ये सब सोच हमेशा कहीं कही ना कहीं बताता है कि आप जैसे जैसे अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी तो आपको पता है जैसे जैसे कुछ अच्छा होता है तो हम पॉजिटिव फील करते हैं लेकिन जैसे एंजल्स होते हैं वैसे डेवल्स भी होते हैं राइट तो वो कभी नहीं चाहते कि कोई भी बंदा अच्छा सोचे तो वो क्या करते हैं नेगेटिव सिचुएशंस या कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वही नेगेटिव थॉट्स मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके दिमाग में क्रिएट होंगे आप अपने पास्ट को लेकर के प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ लाइक like एक अच्छा पार्टनर एक अच्छी जॉब एक अच्छा टाइम uh, ठीक है ईच एंड एवरी विल बी सॉर्टेड लाइक बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सॉर्टेड होगा लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यू नो पास्ट की एनर्जीज में जा के <coughs> क्लेंज करने वाले हैं ऐसे था ऐसे था ऐसे हुआ था यार ये हुआ था वो हुआ था काइंड ऑफ एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहेंगे एंड uh, आप अपनी विक्ट्री को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे भले से जो भी जैसा भी माहौल आपके दिमाग का रहे आप उस चीज़ से हट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे एंड बहुत ज़्यादा अपना मन जो है ना अपनी विक्ट्री की तरफ लगाएंगे आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी मोर ओवर चाहे जितने भी होपलेस कंडीशन आपके पास्ट में रही हो आपने होप्स रख के उस चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे एंड इन तीन महीनों में आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जो कि आपका प्रपोज करेगा ये कोई पास्ट का भी पर्सन हो सकता है क्योंकि हर मिट एन एस ऑफ सोस है एंड ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है बिकॉज सिक्स ऑफ वान्स एंड पेज ऑफ वांस है ठीक है तो ये कोई भी हो सकता है <clears throat> इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने लेकिन ये एक सॉलिड ऑफ़र सॉलिड कमिटमेंट होगा जो आप सोचेंगे कि यार मुझे इस पर्सन को हाँ बोल देना चाहिए या ना बोलना चाहिए ये हो सकता है आपके घर वालों की तरफ से भी कोई पर्सन हो ठीक है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो आई मस्ट से कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा विजडम बहुत ज़्यादा पावर फील करने वाले हैं अपने अंदर आप लोगों को ये फील नहीं होगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कैसे करूँ आप बहुत ज़्यादा सडन एक्शन एंड सटन डिसीजन्स में जो है ना बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं पार्टिसिपेशन नाउ फ्रॉम दिस विजडम ऑर्कल वी हैव नो प्लेस लाइक होम आप अपने ट्रू घर में पहुंचने वाले हैं ये ट्रू घर आपका हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से दूर रह रहे हो अपने घर वालों से और फाइनली अब आप अपने घर वालों के साथ होंगे ठीक है या आप अपने प्लेस पे होंगे और जितने भी चावज एंड कॉन्फ्लिक्स है जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म होने वाली है आपकी लाइफ से बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड है कि गुडनेस पॉजिटिविटी एंड आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो जाएगी <coughs> तो अगेन चेंज सो चेंज बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आ रहा है आप लोगों के लिए रीडिंग में दैट चेंज विल डेफिनेटली बी अकर और ये जो बदलाव होगा ये बहुत खूबसूरत बदलाव होगा दैट यू गाइज विल बी टोटली हैप्पी लाइक एकदम मतलब खुशियों के साथ नेक्स्ट थ्री मंथ्स ना आपके फाइनेंशियल फिजिकल फॉर्म एंड मेंटालिटी के लिए बहुत अच्छे होने वाले मोर ओवर स्पिरिचुअली आप जो है अवेकन होंगे सो क्लोजर ड्रीम्स हीलिंग सो ये तीन महीने हर नेगेटिविटी को ख़त्म करके आगे बढ़ने वाले अपने सपनों की तरफ ध्यान देने वाले एंड अपने आप को हील करने वाले होंगे जहाँ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड आपका परस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा लाइक like, आपका जो दुनिया देखने का नजरिया है ना जो आपका लाइट चलेगी गाइस जो दुनिया देखने का आपका नजरिया है ना वो कही कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा फॉर श्योर sure, ठीक है सो दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीन चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या आई हैं तो है आप लोगों के लिए अर्थ एंड ग्राउंडेड तो जितना हो सके उतना अपने आप को ग्राउंडेड एनर्जी में रखिए ठीक है पॉजिटिव एनर्जी में रखिए एंड जितना हो सके उतना सरेंडर कीजिए कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी नेगेटिव चीजों को सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं और परेशान होते रहते हैं तो ऐसा नहीं करना है आगे बढ़ना है क्लैरिटी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को देखना है सो हाई पेड सैलरी विश फुलफिलमेंट वाव अपॉर्चुनिटीज एंड विक्ट्री ये तीन चीजें आपके इन तीन महीनों में लगातार आप लोगों को देखने वाली है ठीक है सो so, ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर वन पीपल जिन्होंने जैन मार्च मे जुलाई सितंबर दिसंबर को पिक किया था आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए एंड इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा क्योंकि ये आपके फर्स्ट मंथ की एनर्जी है अप्रैल <coughs> लग जाइए अभी से ठीक है लव यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल आई होप आप सब लोग ठीक हैं खुश हैं पॉजिटिव हैं तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग आप लोगों ने पिक किया है फैब अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर एंड नवंबर को तो ये है आप सब लोगों की रीडिंग एंड लाइट्स का थोड़ा सा अभाव चल रहा है तो उसके लिए प्लीज़ माफी चाहूँगी यहाँ पे कंडीशंस uh, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही हैं दिन पे दिन मोर ओवर इलेक्ट्रिसिटी और पता नहीं किस किस चीज़ की परेशानियाँ हैं तो उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव गिव मी एंड uh, प्लीज़ अप्रिशिएट दिस वीडियो बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल तो स्टार्ट करते हैं तो पायल नंबर टू पीपल आप लोगों ने पायल नंबर टू को पिक किया है आप लोगों का बर्थ मंथ फैब अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर नवम्बर हो सकता है एंड uh, uh, आप लोग <coughs> किस तरीके के हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव काइस शांत काम बहुत चुलबुले और बड़ी सोच वाले मतलब वो छोटी सोच नहीं होती लोगों की हाई ये ऐसे वो वैसे वो वाली सोच नहीं आप लोगों की आप बहुत ज़्यादा शांत बहुत ही पॉजिटिव काम इंसान है अपनी मस्ती में मस्त रहना पसंद करते हैं हाँ आपको लोगों की लाइफ से मतलब ज़रूर है लेकिन आपको गॉसिप करना पसंद नहीं है यू गाइज दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि हाँ भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये है वो है लेकिन आप है ना उस तरीके के इंसान है जो गॉसिप करते फिरे ठीक है और सभ्य तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं मोर ओवर आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं <clears throat> कई बार तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको चौबीस घंटे भी कम पड़ते हो है ना कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको 24 घंटे भी कम पड़ जाए आपको ऐसा लगता होगा यार थोड़े और टाइम पीरियड होता तो और मजे आ जाते है ना तो वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ एंड uh, यहाँ पे आपके लिए क्योंकि अक्टूबर और अप्रैल भी है तो आई मस्ट से कि आप लोग बहुत ड्रीमी हैं ठीक है आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रीमी किस्म एनर्जीज की एनर्जीज़ हैं आप लोगों की एंड आपके बहुत सारे सपने हैं छोटे छोटे सपने नहीं होते जैसे पानी में मोर को नाचते देखना बारिश में है ना और स्विमिंग uh, करना और कोई डिफरेंट सा फ्रूट या कुज़ीन ट्राई करना मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सपने हैं आपके जो आप कभी भी कंप्लीट कर सकते लेकिन आप वेट कर रहे हो फॉर द राइट टाइम तो दिस काइंड ऑफ पर्सन यू आर वेरी चुलबुला वेरी फैसिनेटिंग वेरी ड्रीमी वेरी पॉजिटिव वेरी काम नो लवर एंड जिसको मतलब सबकी लाइफ से है पर ओके okay. <coughs> साथ स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग फाइल नंबर टू पी वन तो देखते हैं नेक्स्ट थ्री मंथ्स की सबसे पहले एनर्जीज अप्रैल मई एंड जून ओके ओके सो एनर्जीज़ की अगर हम बात करें पायल नंबर टू पीपल तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अप्रैल मंथ की एनर्जी की तो बहुत समय से अगर आप लोग फील कर रहे थे कि यार डिस्टॉर्टेड सी लाइफ है जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है स्टेबिलिटी uh, नहीं है क्लैरिटी नहीं है क्या चल रहा है जीवन में बस चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये चीज़ ख़त्म होने वाली है ठीक है <coughs> ये जो नेगेटिव अभी एटीट्यूड चल रहा था नेगेटिव जो अभी लाइफ uh, चल रही थी कि पता नहीं क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है ये वो ये चीज़ ख़त्म होने वाली है आई एम सिंह सेकेंड चक्र का कार्ड है दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है <coughs> कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि कम पड़ते हैं आपको टाइम तो आप uh, मैंने कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि बिज़ी और चौबीस घंटे भी कम पड़ते हैं तो काइंड ऑफ एनर्जी अभी है आप बहुत सारे काम कर लेते हैं बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं ठीक है तो एक स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में <coughs> एक तरीके का पॉजिटिव और नहीं है आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव और बिल्ट होने वाला है अप्रैल मंथ में आई एम सिंग कुछ ऐसे सिचुएशन uh, बैठेगी या कुछ ऐसे uh, कुछ ऐसे लाइक um, like, हालात कुछ इस तरीके के हो जाएंगे दैट यू विल बी लाइक कि हाँ चलो इस तरीके से मैं इस चीज़ को स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ एंड यू गाइज विल डेफिनेटली सी द पॉजिटिव रिजल्ट ठीक है मतलब तो कुछ स्टार्ट <coughs> करने वाले हैं आप लोग अप्रैल मंथ में एंड अप्रैल मंथ में जब आप वो चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है और बिल्ट होगा इन स्टेबिलिटी आएगी जो कि आपको मे मंथ में बहुत स्ट्रांगली दिखेगा आप लोगों का ट्रैवल होगा बहुत बहुत तगड़ा वाला आई एम सींग आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो जैसे यहाँ से कहीं गए फिर वहाँ से कहीं गए फिर वहाँ से कहीं और गए फिर वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गए लाइक like, ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल या मे मंथ में ना आप लोगों के घर में कोई शादी हो कोई फंक्शन हो कोई पार्टी हो जिसके अंदर आप लोग जा रहे हैं ठीक है सो इट विल बी लाइक मोर लाइक कि आप बहुत ज़्यादा काम में लगे पड़े हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में लगे पड़े हैं एंड बस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे काइंड ऑफ एनर्जी ठीक है वर्ल्ड का कार्ड है तो आई मस्ट से कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को देखेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे ठीक है दिस इज़ वॉट आई एम ऑल्सो गेटिंग सेवन चक्र आर्केंजल यूरियल का कार्ड है जून मंथ के लिए यानी कि आप इतने स्ट्रांग एनर्जीज में आ जाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों पर रोना कॉन्फिडेंस ना फील करना ऐसी एनर्जी से बाहर आ जाएंगे ठीक है तो आपकी स्टेबिलिटी स्टार्ट होती है अप्रैल मंथ से ट्रैवलिंग और बहुत सारा इन्जॉयमेंट एंड बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं आपके मे मंथ में एंड फॉर श्योर स्टेबिलिटी हंड्रेड परसेंट गाइडेंस कॉन्फिडेंस गुड और पॉजिटिविटी आती है आपको जून मंथ में ठीक है तो ये ये एनर्जीज इनपुट आप लोगों के रहने वाले हैं नाउ लेट्स सी और आप लोगों को क्या मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एनर्जीज क्लियर हुई हैं बाकी और चीज़ें हम कार्ड से क्लियर करते हैं बिकॉज ये तो ऑरिकल्स है ना टैरो से पता करते हैं अब हम लोग और क्या एनर्जीज़ आप लोगों की रहेगी या और क्या आप लोग इन तीन महीनों में पा सकेंगे टू ऑफ कप्स इसे मैं लूंगी ठीक पेज ऑफ कप्स four of swords the fool king of swords and queen of pentacles wow hmm. new life <coughs> eight of cups justice. Seven of cups. Eight of pentacles, bottom of the deck. चलिए सबसे पहली बात पाइल नंबर टू पीपल अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई कोर्ट कचहरी का, का मसला चल रहा है ठीक है किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी का अगर आपकी लाइफ में कोई मसला चल रहा है जो कि अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है या आपके घर में किसी का चल रहा है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है गाइस ये सॉल्व होने वाला है ठीक है इन तीन महीनों में नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ये चीज़ सॉल्व होने वाली है एंड uh, आपको आपका जस्टिस मिलने वाला है आप जितना डिजर्व करते हैं आपको जितना मिलना चाहिए वो आपको मिलने वाला है मुझे आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों से सेपरेट होकर के आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं ये सेपरेशन हो सकता है हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो बच्चों का या आपका सेपरेशन हो या आपके नेगेटिव कार्मिक लोगों से आपका हो बट मुझे पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है कि आप है ना कुछ लोगों से दूर हट के जाने वाले हैं लाइक कहते हैं ना कि बस मुझे नहीं चाहिए ये है ना तो उस वाली एनर्जी में जा कर के आप आगे बढ़ने वाले हैं कि आपने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा वेट किया है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों का इंतज़ार किया है उसी पर्सन का जिसकी एनर्जी आ रही है लेकिन अब आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि मुझे अब इस एनर्जी में नहीं रहना है मुझे अब आगे बढ़ना है सो so आप अपने जितने भी कार्मिक लोग हैं जितने भी आपको परेशान करने वाली सिचुएशन है उन सबसे निकल करके बाहर आगे बढ़ने वाले हैं एंड अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फ्रीली फ़ील करके जीने वाले हैं ठीक है मैं यहाँ पे नेक्स्ट थ्री मंथ्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आती है मुझे हालांकि आपके पास करियर में ऑप्शन बहुत सारे आएंगे लेकिन उसमें से सही पिक करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा गलत पिक कर लोगे तो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी अच्छा पिक कर लोगे तो पॉजिटिविटी एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी सो so, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में वाव <laughs> लाइट आ गई सो so, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में सही बात बोली मतलब मैंने तो so, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में एनर्जीज का इनपुट किस तरीके का होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं इन <clears throat> मेहनत का परिणाम हमें बहुत अच्छा मिल रहा है ठीक है और पास्ट के जितने भी परेशान करने वाले लोग हैं परेशान करने वाले सिचुएशन हैं यादें हैं उन सबको डस्टबिन में फेंको और निकलो तो वो एनर्जीज आप लोगों की बहुत रहेगी मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथफुल रहेंगे जबकि आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है बहुत ही ज़्यादा कोमल प्यारा पॉजिटिव लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड स्टेबल रहने की एनर्जीज़ में रहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब किसी की नहीं सुननी है मुझे आगे बढ़ना है अपने जीवन में मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने ऊपर अब जितना मैं मूर्ख बनना था बननी थी बन लिया <coughs> मुझे आगे बढ़ना है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इट मस्ट से कि बहुत सारी स्ट्रांग न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी जो कि आपको कुछ नया क्रिएट करने के लिए प्रेरित करेंगी कुछ ऐसा नया और कुछ ऐसा पॉजिटिव जिससे कि आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे टू ऑफ कप्स का कार्ड है तो आई मस्ट से कि बहुत ज्यादा अपने Uh, अपने ऊपर अपने लाइफ के ऊपर बहुत फोकस करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ट्रू पार्टनर जो है मिले जिसके साथ आप इन तीन महीनों में डेट करें ठीक है सो आई सिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हेयर जो कि आपने खुद ने अचीव करी अपनी लाइफ में किसी और ने आपकी लाइफ के अंदर अचीव करने की कोशिश नहीं करी है ये आप ही है जो कि आप चेंज चाह रहे हैं पूरी ट्रिपल वन फैमिली ट्रांसफॉर्म हो रही है टाइम फॉर अ नैप मिल्क एंड हनी चेंज इन wind मैंने बोला ही था बदलाव एंड गो द डिस्टेंस तो वट आई स्ट्रांगली फील हेअर ना पाई नंबर वन पीपल आप लोगों के लाइफ में जो परेशानियाँ जो खामियाँ थी ना वो तो ख़त्म हो ही रही हैं आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो सब कुछ सब सही हो रहा है आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी प्रोस्पैरिटी एंड सब कुछ मिल रहा है एक बदलाव आ रहा है आपके जीवन में सो वाई नॉट क्यों नहीं चेंज करना चाहिए ठीक है चेंज करना चाहिए फ्रॉम here also. फाइंडिंग जस्टिस करेज तो जो चीज आप ढूंढ रहे थे ना इतने समय से वो आपको अपने अंदर मिलने वाली है ठीक है आपको जस्टिस मिलने वाला अगेन जस्टिस का कार्ड है ये जस्टिस किसी भी तरीके का हो सकता है एंड नेक्स्ट है करेज तो ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आने वाली हैं. एंड uh, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं यस, डिवाइन टाइम तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने डिवाइन टाइम पे फोकस करें ये तीन महीने आपकी लाइफ के डिवाइन टाइम है जो कि क्रिएट करेंगे एक विक्ट्री तो आपने परेशान नहीं होना किसी भी चीज से ठीक है फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं आप लोग इन तीन महीनों में एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल जीने वाले हैं आप इन तीन महीनों में आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं हो सकता है आप लोग एब्रॉड जाएं मैंने बोला ही था वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे है ना कोई न्यू पेट आने वाला है आपके घर में दो लास्ट कार्ड और देखूंगी मैं मेरा मन कर रहा है बहुत एक प्योर अच्छा सेटलमेंट और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है फाइल नंबर टू पीपल ठीक है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने फाइल नंबर टू को पिक किया था अगर आप लोगों को पसंद आई आज की रीडिंग तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल क्यूट फैमिली और अच्छा सोचें अच्छी लाइफ आप जी पाएंगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ नए सिरे से शुरू कीजिए चीज़ों को और किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फेक स्कैमर से दूर रहिएगा बच के रहिएगा और अपना अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय लव यू